हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम मोका प्रो की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, मैंने जो है थॉर का जो लाइटनिंग स्ट्राइक के ऊपर में एक वीडियो बनाया था, उस पर काफ़ी सारे जो है कॉमेंट आए थे भाई के ट्यूटोरियल के बारे में। तो मैंने पहला पार्ट जो ट्यूटोरियल बनाया था उसमें किस तरह से कैमरा ट्रैकिंग वगैरह करना है, किस तरह से जो है रिवर्स इफेक्ट जो है वो बनाना है, वो सारा जो है मैंने पहले ट्यूटोरियल में बना दिया है। तो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में जो है मैं पर्टिकुलर आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से मैंने जो हैमर है, मैंने अपना हैमर को जो है रिमूव किया है, तो वो मैं बताने वाला हूँ। तो किस तरह से मोका प्रो की मदद से हम उस हैमर को रिमूव करेंगे, तो पूरा ट्यूटोरियल जो है इसके बारे में है। दोस्तों, सबसे पहले हम एडोबे आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लेते हैं, अपना प्रोजेक्ट फाइल जो है उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूं। तो सबसे पहले अपने फोल्डर में सिलेक्ट करते हैं और उस फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो फाइल आ चुका है और उसके बाद में इसको यहां से ड्रैग करके न्यू कंपोजिशन में हम डाल देंगे। तो हमारा जो है न्यू कंपोजिशन में हमारा वीडियो फाइल आ चुका है। इसके बाद में हमको क्या करना है, ये हमारा वीडियो फुटेज है, तो यहाँ से जो है हैमर को हमको रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम इसको डुप्लीकेट कर देते हैं, तो यहाँ से हम इसको डुप्लीकेट कर दिए और उसके बाद में इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट में जाके हमको सर्च करना है मोका। इसके लिए दोस्तों, आपके कंप्यूटर पीसी में जो है मोका प्रो सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल रहना चाहिए, मोका प्रो का जो प्लगइन है वो आपके एडोबे आफ्टर में इंस्टॉल रहना चाहिए। मेरे में है, तो मैं यहाँ जो है सबसे नीचे में आपको मोका का नज़र आ रहा है मोका प्रो, तो उसको जो है मोका प्रो यहाँ आप देख सकते हैं नीचे में। तो हमने ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट किया और यहाँ से मोका प्रो इसको यहाँ से ड्रैग करके जो है यहाँ से लेके अपने वाले जो लेयर है वहाँ डाल देंगे। और उसके बाद में यहाँ मोका का जो ऑप्शन है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो हमारा जो मोका प्रो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम जो है इसको स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में दोस्तों, ये है हमारा जो वीडियो फुटेज है वो मोका प्रो पे आ चुका है, मोका पे आ चुका है। अब हमें जो है यहाँ इस पे हमारा जो हैमर है उसको रिमूव करने का प्रोसेस जो करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वीडियो का जो है टाइमलाइन सबसे स्टार्टिंग में ले जाते हैं या फिर उस जगह से ले जाते हैं जहाँ से हमारा हैमर जो है वो मतलब शो हो रहा है, तो उस पोजीशन में हम ले जाते हैं। और उसके बाद में यहाँ ऊपर पे इस वाले जो टूल है वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको जो है मास्किंग करना चालू करेंगे, और उसके बाद में हर फ्रेम में जो है इसको पूरी तरह से मास्किंग प्रोसेस जो है कर लेना है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है आप देख लीजिए। दोस्तों, मोगा पे मैंने जो भी एनिमेशन करना था, जो भी मतलब करना था, वो सारा जो प्रोसेस मैंने कर लिया है। तो इसको आपको जो पूरा स्टेप बाय स्टेप करना है और इसके लिए जो है काफ़ी टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो पूरा जो है आपको हैमर की जगह जो है यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जो है पूरा उसको रोटोस्कोपिक कर दिया है। और इसके बाद में जो है जब ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आपको जो है बैकग्राउंड जो है उसको ट्रैक करना है, तो उसके लिए फिर से इस वाले टूल को जो है हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में हम जो है पूरा जो बैकग्राउंड है उसको जो है ट्रैक करने के लिए उसको जो है हम इस तरह से मास्क करेंगे। इसके बाद में दोस्तों, हम ऊपर वाला जो लेयर है जो हमारा बैकग्राउंड मास्किंग है उसको जो है हम जो मास्क लेयर है उसके नीचे हम जो है इसको ड्रैग कर देंगे और इसके बाद में हम यहाँ इस वाला जो एस आइकॉन है इसको क्लिक करेंगे, तो इस तरह से जो है एक मास्क आ जाएगा। तो इसको भी जो है हम पूरे स्क्रीन में फिट कर देंगे। तो यहाँ से आप देख लीजिए, इसको पूरा जो चारों कॉर्नर है इसको मैं ड्रैग करके इसको स्क्रीन पे इस तरह से फिट कर देता हूँ ताकि हमारा बैकग्राउंड जो है पूरी तरह से ट्रैक हो सके, वरना जितने एरिया जो है हम ट्रैक करेंगे उतना ही एरिया जो है वो ट्रैक करेगा। तो पूरे बैकग्राउंड को हम ट्रैक कर दिए हैं और यहाँ से जो है हम अपना जो इसको आइकॉन को क्लिक करके यहाँ से हम अपना जो इस तरह से जो है देख सकते हैं ट्रैकिंग सही से हो रहा है या नहीं। इसके बाद में दोस्तों, हमको जो है यहाँ से जो है इस पूरे बैकग्राउंड को ट्रैक करना है और यहाँ आप क्लिक करेंगे और उसके बाद में जो है हमारा बैकग्राउंड जो है वो ट्रैक होना चालू हो जाएगा। दोस्तों, अब हमारा जो है बैकग्राउंड वो कंप्लीट ट्रैक हो चुका है और इसको एक बार हम प्ले करके देख सकते हैं कि क्या हमारा बैकग्राउंड सही तरह से ट्रैक हुआ है या नहीं। तो हमारा बैकग्राउंड जो पूरी तरह से जो है ट्रैक हो चुका है। अब इसके बाद में हमको जो नेक्स्ट करना है, हम करेंगे ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट, यहाँ से चलिए इसको हम सबसे पहले क्लोज कर देते हैं और ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ नीचे आपको जो है रिमूव का ऑप्शन नज़र आएगा, तो ठीक है, तो यहाँ रिमूव पे क्लिक कीजिए और उसके बाद में जो यहाँ से है हम इस वाले आइकॉन को जो है हम क्लिक करेंगे और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा।
इसके बाद में जो है रिमूव फॉरवर्ड पे हम क्लिक करेंगे और हमारा जो भी हमने पहले वाले जो लेयर है ऊपर वाले लेयर में जो हमने थोर का जो हमारा हैमर है उसको ट्रैक किया था, मतलब मास्किंग किया था, तो यहाँ देख सकते हैं कि वो धीरे धीरे जो है पूरा रिमूव होते जा रहा है। मोका ऑटोमेटिकली जो है हमारा जो बैकग्राउंड है जो हमने ट्रैक किया था उसके हिसाब से जो उस जगह में जो एम्प्टी प्लेट जिस जगह में रहता था तो उसको जो है पूरी तरह से रिमूव करके वो ऑटोमेटिकली पूरा आपको जो है रिमूव कर देगा, जितना आपने मास्क किया है, जितना हमने हैमर है हैमर को मास्क किया था तो उस एरिया को जो है वो अपने हिसाब से पूरा रिमूव करके दे देगा। तो इसके लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद में हमारा जो है रिमूविंग प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज हमारा जो है रिमूविंग प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं हमने जो थोर को का जो जो हमारा हैमर जो है उसको मास्किंग किया था वो जो है रिमूव हो चुका है। तो आप देख लीजिए, मैं इसको जो है थोड़ा सा और स्केल करके आपको दिखा देता हूँ कि पूरा जो हमारा जो हैमर है वो रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से जो है हमने मोका प्रो के अंदर जो है हमारा हैमर को रिमूव कर दिया है और नेक्स्ट जो स्टेप है हमको उसको एडोबी आफ्टर इफेक्ट में किस तरह से अप्लाई करना है वो है। तो यहाँ आप देख लीजिए, ये हमारा पूरा कंप्लीट जो है हैमर रिमूव हो चुका है। इसके बाद में हम जो है यहाँ से बैक करेंगे, यानी कि इसको कैंसिल करेंगे और इस फाइल को जो है हम सेव कर देंगे। अब जो है दोस्तों हम वापस एडोबी आफ्टर इफेक्ट में आ गए और यहाँ से जो है आप देखिए मोका प्रो के नीचे जो ये वाला ऑप्शन है, जो सॉरी ये वाला ऑप्शन नहीं, जो नीचे वाला जो तीसरा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है उसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ से इस वाले चेक बॉक्स को ऑन करेंगे और यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ रिमूव पे हम क्लिक कर देंगे। और एडोबी आफ्टर इफेक्ट के अंदर दोस्तों हमारा जो जो वीडियो है जिस पे हमने रिमूव किया था मोका प्रो के अंदर, तो हमारा एडोबी आफ्टर इफेक्ट पे भी वो रिमूव हो गया है। सो गाइस इस तरह से जो है हम मोका प्रो की मदद से जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमने हमारा जो हैमर है उसको रिमूव किया है और हमारा जो रिमूविंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है इस फुटेज पे। और दोस्तों अपना नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो जो रहेगा वो किस तरह से हम 3D हैमर अपने इस क्लिप पे हमने इंसर्ट किया था तो वो रहेगा। आज का जो ट्यूटोरियल था वो रिमूविंग के बारे में था, किस तरह से मोका प्रो की मदद से हम जो है ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं वो ट्यूटोरियल था। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके अपनी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और आज का वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।